बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना। गुरु फतेह सांझी करदिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। डेली पोस्ट पंजाबी दी टीम आज मध्य भारत के ग्वालियर विखे पहुंची हुई है। आज असि दर्शन दीदारे करावांगे तुहानू छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे पावन अस्थान दे। आज असि पहुंचे हुए गुरुद्वारा दाता बंदी छोट साहिब विखे। यो पावन पवित्र अस्थान है जिथे गुरु पातशाह जी जदों ग्वालियर किले विच नजर बंद सन तां इत्थे गुरु साहब आके तप करिया करदे सन। इस दे नाल असि ग्वालियर दा किला भी दिखावांगे जिथे गुरु पातशाह अपने नाल 52 राजां नूं रिहा करके बाहर आए सी। इसे खुशी विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे दीपमाला भी की गई सी। आओ फिर दर्शन दीदारे करदे आं पावन स्थान दे। गुरुद्वारा दाता बंदी छोट साहिब ते किला ग्वालियर 400 साल दे उस इतिहास दी गवाही भरदे ने जदों छेवें पातशाह ने 52 राज्यां ते होर कैदियां नूं रिहा करवाया सी। जदों सिख संगतां इस पावन अस्थान दे दर्शन दीदारे करन जांदियां ने तां सब तों पहलां गुरुद्वारा साहिब वल जदों कदम वधदे ने तां अखां नूं असीम शांति मिलदी है। आले दुआले दी हरियाली देख के गुरु घर दी गल करिए तां शहर तों तकरीबन 350 फुट उची पहाड़ी ते किले च इह पावन अस्थान सुभायमान है। गुरु घर दी हदूद दे अंदर दाखिल हुंदिया मन नूं असीम शांति मिलदी ते जदों कदम चरण गंगा च पैंदे ने तां दिल च होर चा ते खेड़ा उठदा है कि अंदर जा के जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे सीस निवाईए। इस पावन अस्थान दे इतिहास दी जे 400 साल पिछे जा के नजर मारिए जदों गुरु साहब नूं ग्वालियर दे किले च नजर बंद कीता गया सी। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जिस थड़े दे तुसी दर्शन कर रहे हो ए थड़ा ओही है जिथे गुरु साहब बैठ के सिमरन करिया करदे सी। गुरु साहब दे इस किले च आउण दे नाल किले दी रूहानियत ही बदल गई। पहलां इत्थे कैद कैदियां ते राजियां नूं मिठा जहर दिता जांदा सी ते अंतां दे तशद्द ढाए जांदे सी। गुरु साहब दे आउण ते इन्हां ने खुली आबो हवा दे विच विचरना शुरू कर दिता। गुरु साहब 2 साल 3 महीने ग्वालियर दे किले च नजर बंद रहे। सतगुरु धन धन मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दे चरण छो प्राप्त पवित्र अस्थान गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ जो ग्वालियर दे किले दे विच सुशोभित हन। बेअंत गुरु कियां संगतां देसां प्रदेशां तों इत्थे मस्तक नतमस्तक होण वास्ते आउंदियां हन, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करदियां हन। इस अस्थान ते गुरु महाराज ने बहुत वड्डा परोपकार कीता। जहांगीर बादशाह दे समें ते 52 हिंदू राजां दी रिहाई कराई अते होर बेअंत 450 कैदियां दी बंद खलास करके सतगुरु बंदी छोड़ कहाए। अज तों लगभग 400 साल पहलां गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस किले विच अपने पवित्र चरण पाए। जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी है तुझके जहांगीरी, जिस दे विच ओ गुरु नानक देव दे दरबार नूं कूड़ दी दुकान लिखदा है। जहांगीर ने उस पुस्तक विच लिखिया है कि बहुत सारे भोले भाले हिंदू अते कई सिरफिरे मुसलमान बहुत गिणती विच गुरु अर्जन देव जी दे सेवक बनदे जा रहे ने। मैं बड़े देर तों उपराला कर रहा हाँ भी इस दुकान नूं सदा वास्ते बंद कर दिता जावे। जहांगीर कोई इहो जिहा बहाना लभ रहा सी जिहदे नाल इस भी गुरु अर्जन देव जी नूं खत्म कर दिता जावे। उहदा विचार सी भी इस तरह करन दे नाल इह दुकान सदा वास्ते बंद हो जावेगी। उहनां दिनां दे विच जहांगीर दा लड़का खुसरो बगावत करके पंजाब नूं चला गया। जहांगीर ने उस दा पिछा कीता। जिस जिस ने भी खुसरो नूं पनाह दित्ती जहांगीर ने बहुत भारी सजावां उहनां नूं दित्तियां। वैसे गुरु अर्जन देव जी दा ते खुसरो दा आपस मिलाप ही नहीं होया, पर फिर भी जहांगीर ने झूठा बहाना बना के कि गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो नूं पनाह दित्ती है गुरु महाराज नूं 1.5 लाख रुपया जुर्माना कीता, जिस दा गुरु अर्जन देव जी ने जुर्माना भरन तों इनकार कर दिता। फिर जहांगीर ने
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੜਾਨੀ ਕਲਾ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1972 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਸੀ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਚ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 22 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।